मिट्टी के ग्लास हैं जिसे कुल्लड़ कहते हैं, ये देखो मेरे पास मिट्टी के ग्लास हैं। इसमें मैंने इन सेंटर में एक एक होल करना है पेचकस के थ्रू। मैं आपको करके दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे करना है। देखो हमने छेद कर दिया है। सी सेम इसमें और इसमें भी हमने ऐसे ही एक हॉल करना है। मैं करके दिखाती हूँ। मैंने इन तीनों चारों में हॉल कर दिया है। ये मैंने मिट्टी ली हुई है, ये खाद है, ये एल्युमिनियम वायर है, ये छोटी छोटी चिब्बियाँ सी हैं जो हम गमले में या किसी डब्बे में लगाएंगे हॉल करके। ये मैंने जो आपके सामने ये कर रखे थे इसमें, और ये हमारी सीजर है। अब इन सब का कैसे प्रोसीजर करना है मैं आपको बताती हूँ। अब हम इन ग्लास की बात करते हैं। तो हमने ये छोटा सा पत्थर है जो हम सेंटर में रखेंगे, इसमें हम ऐसे ही सब में रखेंगे। मैंने सब में ही पत्थर लगा दिया है छोटा छोटा। अब इन सब में मैं मिट्टी लगाऊंगी। अच्छा, मैंने इनमें मिट्टी डाल दी है। अब मैं इनमें प्लांट्स लगाऊंगी, यानी बेल लगाऊंगी। मैंने इसमें लगा दिए हैं। इसमें हमें जड़ों की ज़रूरत नहीं होती डायरेक्ट। ऐसे कोई सी भी बेल की डंडी हो, सपोज करो ऐसे ऐसे ही हम लगा देते हैं। इसे धूप की रानी वैसे कहा जाता है, और ये बहुत कलरफुल होते हैं, रेड, वाइट, पिंक, येलो, बहुत सारी शेड्स में आती हैं। वायर ली है, और इस वायर को कैसे मैं इस जाली पे, ये देख रहे हो जाली वाला गेट, इस पे मैं कैसे टांगूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से मैं टांगूंगी जैसे मैंने ये साइड्स में टांगे हुए हैं। देखो कितना प्रिटी लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। सेम इस जाली पे मैं इन मिट्टी के ग्लास को टांगूंगी, इन मिट्टी के ग्लास को उस जाल में टांगूंगी। कैसे टांगूंगी वो मैं अब आपको बताती हूँ। इसको इस तरह से हमने टाइट करना है। हम प्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा कि थोड़ा टाइट हो जाए। ज़्यादा भी मत करना, वायर टूट जाएगी। देखो टाइट हो गया। अब हमने इसका क्या करना है, जो लंबी सी है देखो, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देनी है। फोल्ड करने के बाद हमें यहीं पर इसको घुमा देना है। इस तरह से देखो ये हमने ऐसे रोल कर दिया है। अब हम इसको जाल से बांध देंगे। इसमें मैंने ऑलरेडी खाद डाल दी, आप देख सकते हो। और ये वाइट फ्लावर्स देंगे। और ये अब इसका कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। निकाल के इस तरह से हमने स्टैंड बना लेना है, और इसको हमने अच्छे से लॉक कर देना है। इस तरह से हमने दोनों लगा दिए। अब दो और है जो वो भी लगा देंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने पहले दो लगाए थे, फिर और भी लगा दिए हैं। और नेक्स्ट डे है, और इसमें धूप निकली हुई है, और इसमें फ्लावर्स भी देख सकते हो, जैसे कलरफुल, जैसे कि वाइट, पिंक, येलो, बहुत सारे कलरफुल। नेक्स्ट डे ही ये विदाउट रूट के मीन्स हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कहीं से भी इसकी टहनी मिले आप किसी भी प्लांट में लगा सकते हो। बहुत प्रिटी लगता है, बहुत सुंदर लगता है। सी इस तरह से धूप की रानी, जैसी धूप चली जाएगी ये मुरझा जाएगा, उसी टाइम कली टाइप बन जाएगा फिर। सो आप ऐसे ही अपने घर में किसी भी चीज़ का यूज़ करके घर को डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट।